Shahrukh has got back his charm. King Khan back in action. Shahrukh Khan. Shahrukh. चारों तरफ शाहरुख खान. बहुत बढ़िया मूवी लगी. पैसा वसूल. Awesome. क्यों मजा आ गया. So spy universe well made. इसके कम से कम 7 से 8 पार्ट बनेंगे. Hi guys, मैं हूँ वर्षा. और मैं हूँ दुनाक्षी. और हम अभी अभी पठान देखकर आए हैं गाइस. जी हाँ, सुबह 9:30 बजे की हमने टिकट ले ली थी और तुनाक्षी 10 मिनट लेट थी, लेकिन उसके बाद वो रिग्रेट नहीं की. मैंने इसको थोड़ी स्टोरी बता दी है, बट शी वाज रिग्रेटिंग कि वो क्यों लेट हो गई, क्योंकि थिएटर में बैठकर तूने एंथुसियाज्म तो देखा होगा. जैसे ही पर्दे पर शाहरुख खान की पिक्चर आई, आई गेस एवरीवन स्टार्टेड शाउटिंग यू आल्सो. शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण एंड एक कैमियो हुआ है बहुत जबरदस्त, जिसके बारे में हम अभी आपको नहीं बताएंगे हम. लेकिन अभी के अभी वर्षा भी एक तरफ जा रही है, मैं भी एक तरफ जा रही हूँ. फिल्म अभी अभी जस्ट खत्म हुई है. अपने रिएक्शन नहीं देंगे, जनता का रिएक्शन जानते हैं और जानते हैं क्या बोलती पब्लिक. लेट्स गो. हाउ वाज द मूवी सर? बढ़िया बढ़िया. इट्स अ ग्रेट मूवी, वेल स्क्रिप्टेड मूवी. आई थिंक शाहरुख हैज गॉट बैक हिज चार्म. Not a boring movie at all. I mean, so spy universe, well made. बहुत बढ़िया movie लगी, पैसा वसूल. Bollywood की best movie. बिल्कुल मजा आ गया. Movie was very good. Party पठान के घर में रखोगे तो पठान में हम मान्नवाजी लेके तो आएगा ही. ऐसा नहीं कि step करते जल्दी से. अरे. पांच सौ करोड़. शानदार. He's the last of the stars. Ultimate. पठान भी जिंदा है, टाइगर भी जिंदा है. सो सलमान भाई की एंट्री ऑसम. सलमान भाई आया ना तो और भी ज्यादा मजा आ गया. वही अंदाजा नहीं था मैम कि इसमें सल्लू भी. मैं और मेरे भाई में तो अक्सर लड़ाई होती थी. वो कहता मेरा फेवरेट सल्लू है, मैं कहता मेरा शाहरुख है. लेकिन अब पता चला मेरे भाई में कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि सल्लू भाई भी इसमें. बड़ा मजा आया. और बेसरम रंग के लिए भी कितना मैम वो हो रहा था, लेकिन ये बहुत गलत था. ऐसा कुछ भी नहीं था, बस जरा सा वो तो कलर वाई कलर के ऊपर जरा सा ड्रामा कर दिया. लेकिन इस मूवी से तो हमें ये सीख मिली है कि वो एक पठान था, उसने फिर भी हिंदू मुस्लिम के लिए कितना मैम इशू हो जाता है, लेकिन उसने एक देश के लिए कितना क्या किया. पूरे देश की जान, दिल्ली और सारे लोगों का ये मेन चीज ये है. तो ज्यादा देख रहे थे पर्दे पर शाहरुख खान. शाहरुख. किंग खान बैक इन एक्शन. चारों तरफ शाहरुख खान. SRK, जॉन अब्राहम और जो लास्ट में एक और एक्टर है. तीनों एक्टर को देखा गया प्रॉपर. लेकिन इसमें जो एंड मूवमेंट पे SRK की जो एंडिंग है और SRK का जो एंट्री है वो वेरी फैंटास्टिक है. सबसे बेस्ट मूवी मानी जाएगी. और आई थिंक मैं ये गेस कर रहा हूँ कि इसके कम से कम 7 से 8 पार्ट बनेंगे. जॉन का रोल काफी अच्छा था, SRK का भी बहुत अच्छा, लेकिन जॉन मतलब काफी अच्छा विलेन. जॉन अब्राहम की एक्टिंग मुझे सबसे अच्छी लगी इस मूवी में. जॉन की ऐसी पिक्चर में कभी नहीं देखी जिस जो आज मैंने देखा इस पे. अरे तो ना, अरे बाप रे बाप, मजा आ गया भाई. मतलब उस भीड़ से निकलना इतना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोग पकड़ पकड़ के ये माइक पे बोलना चाह रहे थे कि भाई ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है 2023 की. और ट्रोलर्स के लिए भी बहुत बड़े मैसेजेस लोगों ने दिए हैं. जितने लोग बॉयकॉट करने वाले थे, तो मुझे लगता है कि हंगामा हो गया. इस तरह की मैडनेस हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी. मतलब थिएटर्स में फिलहाल कम से कम बैठे होंगे 100 से ज्यादा लोग. उसमें से सिर्फ एक इंसान ने मुझे बोला कि मुझे मूवी एवरेज लगी. लेकिन एवरीवन वाज शाउटिंग, सबका यही कहना था कि ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है. मैंने ये तक पूछा, सबने बोला कि 4 साल के बाद जो फिल्म आई है वो वर्थ इट थी शाहरुख खान. मैंने ये तक पूछा कि क्या ये KGF 2, RRR, बाहुबली जैसे रिकॉर्ड तोड़ देगी. एंड दे सेड क्लियरली यस. उसके सामने सब कुछ फीका है, क्योंकि SRK गाइस. और जैसे कि मैं आपको बहुत दिनों से बता रहे थे कि एडवांस बुकिंग का सिलसिला 20 जनवरी को शुरू हो चुका था, एंड इस फिल्म ने तभी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. और आज जिस हिसाब से हमने यहाँ पर हाउसफुल देखा है, हमने सेकंड शो देखा है, आई थिंक फर्स्ट डे सेकंड शो देखा है, एंड हमने मैडनेस देख ली थी. अभी आप लोगों ने भी वीडियो में देख लिया कि किस तरह के लोग हमें मिले हैं, किस तरह की एक्साइटमेंट थी. तो आई थिंक अब एक काम करते हैं वर्षा. एक अगर सेंटेंस मुझे कहना होगा इस मूवी के लिए, तो मैं कहूंगी कि नए ग्लास में पुरानी शराब. शाहरुख खान है गाइस, तुम जो मर्जी कर लो मुझे लगता है. और ये शाहरुख खान ने पठान के साथ अपने कमबैक के साथ प्रूव कर दिया है. इसी के साथ साथ आज किसी का भाई किसी की जान का टीजर भी आ रहा है, जिसके बारे में हम लोग जरूर बात करने वाले हैं. लेकिन अब आपने यहाँ पर रिएक्शन देख लिया, तो आई थिंक गाइस क्या करना चाहिए वर्षा, इन लोगों को ये भी जाए देखने. हाँ, अब हमारा क्या, रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं. जाइए देखिए
क्योंकि जैसे शाहरुख खान आते हैं कहते ना कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, आपको बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करेगा। मतलब मूवी खत्म होने के बाद भी आप कहोगे यार थोड़ा और दिखा देते, अभी क्यों खत्म कर दिया, अभी तो SRK जॉन एब्राहम दीपिका को थोड़ा और देखना था हमें। मतलब आई कैंडी जो होता है वो हम देख कर आ गए। तो गाइस अब जल्दी से जाओ देखो और वापस इस वाली वीडियो पर वापस आना और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको पठान कैसी लगी, क्योंकि मैं श्योर हूँ आपको पसंद आएगा। चलो अभी के बाय।